दोस्तों कैसे हो आप सभी। पहले बात तो आप सभी को नवरात्रि का और दशहरा का बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। तो दोस्तों बहुत ही बड़े अपडेट हैं, चलिए जान लेते हैं। IMCL के बेटी बचाओ ट्रॉफी का ऑक्शन को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट है। बेटी बचाओ ट्रॉफी में प्लेयर्स का नीलामी कब होगा, कहाँ होगा, किस डेट को होगा, सब कुछ मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। और दोस्तों सभी कैंप के डेट भी कन्फर्म हो ही गए हैं, तो वो भी आप सभी को बता देता हूँ इस वीडियो में। और भी बहुत बड़े अपडेट हैं क्रिकेट से रिलेटेड, क्रिकेट ट्रायल से रिलेटेड, IMCL से रिलेटेड, तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों जो पहला अपडेट आ रहा है IMCL बेटी बचाओ ट्रॉफी के ऑक्शन को लेकर, ये ट्रॉफी का ऑक्शन होगा IMCL बेटी बचाओ का 24 नवंबर को। दोस्तों वेट करिएगा, थोड़ा सब्र करिए, अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए। अभी बहुत जगह कैंप चल रहे हैं, जैसे गोवा है, उसके बाद नोएडा, कोलकाता, अभी इन सभी जगहों पर कैंप होना बाकी है। उसके बाद कैंप होने के बाद सभी प्लेयर्स का ऑक्शन होगा जो इस पॉइंट क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद उनका ऑक्शन होगा। लखनऊ में ये ऑक्शन चलने वाला है और सभी प्लेयर्स का इसमें नीलामी होगा जो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। 5,000 से बेस प्राइस शुरू है, आप सभी जानते ही हैं। इसमें बेटी बचाओ ट्रॉफी एक बहुत ही बड़ा लीग है IMCL के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सभी प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लीग होने वाला है, बहुत ही बड़ा लीग है। और वहीं अगर कोलकाता कैंप की बात करें तो 7 नवंबर से स्टार्ट होगा और 13 नवंबर से चलने वाला है ये कैंप। वहाँ भी अच्छे प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और अपना नाम बेटी बचाओ ट्रॉफी के ऑक्शन तक ले जा सकते हैं। और प्लेयर्स का ऑक्शन होगा तो काफ़ी अच्छा भी लगेगा, प्लेयर्स को लाइव होगा ऑक्शन, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं घर बैठ के। आपका जब ऑक्शन चलेगा जैसे सेम IPL में होता है, उसी तरीके से सेम टू सेम होने वाला है, बट वो एक हाई लेवल का होता है IPL, और ये होगा मिनी लेवल पे, लेकिन बहुत ही शानदार होने वाला है ऑक्शन। और अगर हम बात करें अहमदाबाद कैंप की तो वो 12 नवंबर से स्टार्ट होगा और 20 नवंबर तक चलने वाला है। इस बीच में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके प्लेयर्स खेल सकते हैं बेटी बचाओ ट्रॉफी। और लखनऊ में भी कैंप होगा, वो 14 नवंबर से 20 नवंबर तक चलने वाले हैं। बचा हुआ कैंप जो है 14 नवंबर से 20 नवंबर तक चलेगा। और नोएडा कैंप की भी डेट आ चुकी है, 22 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। दोस्तों गोवा कैंप के बाद अगर कोई बड़ा कैंप है तो वो नोएडा कैंप है, क्योंकि गोवा कैंप में 70 टीमें हैं और नोएडा कैंप भी बहुत ही बड़े लेवल पर होगा, बहुत ही बड़ा कैंप है। ये भी 22 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 20 नवंबर तक चलने वाला है, तो लगभग एक महीने अभी चलने वाले हैं कैंप। उसके बाद जो भी प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनका नाम बेटी बचाओ ट्रॉफी के ऑक्शन में ले जाया जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम गया है या फिर नहीं गया, अच्छा परफॉर्मेंस करिए जरूर जाएगा आपका नाम और आप सेम ऑक्शन में बिकेंगे। आपको अच्छी फीलिंग आएगी, अच्छे मैचेस खेलने को मिलेंगे IMCL की तरफ से। IMCL के लीग है, मेहमान नवाजी, DR गोल्ड कप, बेटी बचाओ ट्रॉफी, IMCL के लीग है, तो बहुत ही बड़ा बड़ा लीग है। अच्छा परफॉर्मेंस करिए जरूर आप लोग खेलेंगे दोस्तों, अच्छा परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपको इसके बारे में नहीं सोचना कि मेरा नाम ऑक्शन में जाएगा या फिर नहीं जाएगा, बिल्कुल भी इसे ध्यान नहीं देना। अच्छा परफॉर्मेंस करिए, ऑटोमेटिक जो होना वो सिलेक्टर के हाथ में, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आपका नाम ले जाएंगे, अच्छे से जाएंगे आप, और ऑक्शन में आपको परचेज भी करेंगे, फ्रेंचाइजी काफ़ी अच्छे पैसों में आपको खरीदेंगे। तो गाइज आई होप आप सभी को समझ में आ गया वीडियो कब कैंप कहाँ होंगे। तो चलिए गाइज अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।